अगर लिखा हो वह घोड़ा बेचकर सोता है तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या ट्रांसलेशन हुआ। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि इट साउंड्स क्या है। आप कहते हैं कि कई बार मैंने सुना है इट साउंड्स प्रीटी, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स वल्गर, इट साउंड्स ब्यूटीफुल, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड देखें कि इट साउंड्स क्या है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वह घोड़ा बेचकर सोता है का सही ट्रांसलेशन क्या होगा। इट साउंड्स का मतलब होता है ऐसा लगता है या लगता है, और इस वर्ड से किसी इंसान की थॉट का पता चलता है। जैसे अगर आपको कहना हो यह खूबसूरत लगता है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट साउंड्स प्रीटी। अगर आपको कहना हो कि यह गवारू लगता है, इट साउंड्स वल्गर। अगर आपको कहना हो कि बुरा लगता है या खराब लगता है तो आप कहेंगे इट साउंड्स बैड। अगर आपको कहना हो कि बहुत मजेदार लगता है या यह बहुत मजेदार लगता है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग, यानी यह बहुत मजेदार लगता है। अगर आपको कहना हो कि यह बहुत दिलकश लगता है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट साउंड्स सो अट्रैक्टिव, यानी यह बहुत दिलकश लगता है या अट्रैक्टिव लगता है। अगर आपको कहना हो कि उसे पैसा मांगने में बुरा लगता है तो आप कहेंगे इट साउंड्स ऑड टू आस्क हिम मनी, यानी उससे पैसा मांगने में अजीब लगता है या बुरा लगता है। अगर आपको कहना हो कि किसी का उम्र पूछने में बुरा लगता है या अजीब लगता है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट साउंड्स बैड टू आस्क समवनस एज, यानी किसी का उम्र पूछने में अजीब लगता है या बुरा लगता है। अगर आपको कहना हो कि यह मुश्किल लगता है तो आप कहेंगे इट साउंड्स टफ, यानी यह मुश्किल लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इट साउंड्स का मतलब समझ में आया कि इट साउंड्स का मतलब होता है लगता है, और इस वर्ड से किसी इंसान की थॉट का पता चलता है कि किसी इंसान को ऐसा महसूस होता है या किसी इंसान का ऐसा ख्याल है। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बता दूं, साउंड का एक मतलब गहरा भी होता है। साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना या बेखबर सोना, और साउंड स्लीपर का मतलब होता है गहरी नींद में सोने वाला या बेखबर सोने वाला। इसी बात को कई बार लोग कहते हैं कि वह घोड़ा बेचकर सोता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप कहेंगे ही इज साउंड स्लीपर, यानी वह बेखबर सोने वाला इंसान है, वह गहरी नींद में सोने वाला इंसान है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।